विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ समिट में पाकिस्तान और चीन पर सख्ती से किया वार। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। पाकिस्तान में 15 अक्टूबर से दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन समिट की शुरुआत हुई थी, जहां भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक में शामिल हुए थे। वही बैठक के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया है कि भारत सीपीआईसी को स्वीकार नहीं करता। करीब एक दशक बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यह पहली यात्रा थी। ये बेहद दिलचस्प बात है कि डॉक्टर जयशंकर जब भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया था। विदेश मंत्री जयशंकर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया है। डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि अगर हम आज की स्थिति देखें तो आतंकवाद पर काम करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि अगर विश्वास की कमी है, सहयोग पर्याप्त या दोस्ती कमजोर है तो हमें साफ तौर पर आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं के समाधान खोजने की जरूरत है। वहीं जयशंकर ने पाकिस्तान के अलावा चीन को भी आड़े हाथों लिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान पर आधारित होना चाहिए। जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सामान्यता दें। इसके अलावा वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए, ना कि देश एक पक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ाए। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए सीपीईसी की ओर भी इशारा कर दिया। जयशंकर ने कहा कि यदि हम दुनिया की चुनिंदा प्रथाओं को देखें तो आगे बढ़ाए, खासकर व्यापार और व्यापारिक मार्गों के लिए, तो एससीओ की प्रगति नहीं हो सकेगी। आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद से मुकाबला करना बेहद जरूरी है। एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करना है। वर्तमान समय में सदस्य देशों को इन तीन दुश्मनों से लड़ना जरूरी है। इन तीनों से मुकाबला करने के लिए ईमानदार बातचीत, विश्वास, अच्छे पड़ोसी और एससीओ चार्टर के प्रति दायित्व जरूरी है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।